श्री गणेशाय नमः। इस दिन चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं रहेगी। चंद्रमा इस दिन फोर्थ हाउस में रहेंगे, इससे आप इस दिन मानसिक तौर पर काफी डिस्टर्ब रहोगे। मानसिक तौर पर डिस्टर्ब रहने के कारण आपके अच्छे भले काम किसी गलत डिसीजन से बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए और कहीं निवेश करना है तो जोखिम नहीं उठानी चाहिए। इस दिन ग्रह नक्षत्र उतने बुरे भी नहीं है, लेकिन मानसिक परेशानियां गलतियां करवा सकती है। आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा, मुनाफा भी अच्छा ही होगा। आपके व्यापार में आप मेहनत करोगे और उसके मुताबिक आपको फल भी मिलेंगे। इस दिन आप शॉपिंग कर सकते हैं, बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए समय अच्छा है। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके बॉस और आपके सहयोगी आपसे खुश रहेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे, लेकिन फिर भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। इस दिन आपको अपने काम के क्षेत्र में कर्म ज्यादा करना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत रहेगी। इस समय में जो लोग अपनी जन्मभूमि से दूर है उन्हें अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आज थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं, पढ़ाई में मन न लगने की शिकायत रह सकती है। दोस्तों इस समय में अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ेगा, अच्छा तालमेल रहेगा, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, दिन काफी अच्छा जाएगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तौर पर कमजोर हो सकता है। आज के दिन के लिए सफेद रंग का इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छा रहेगा और 2 नंबर इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।